और रेफर करेंगे तो क्या हुआ, क्रॉलर को समझ में आ जाएगा, अच्छा आर्टिकल को तो यार 100 लोगों ने रेफर किया हुआ है, इसको 10 लोगों ने रेफर किया है, तो भाई इसको नंबर वन पे रैंक दो। मतलब क्या कि इस कीवर्ड के लिए जरूर ये आर्टिकल बेस्ट है, तभी 100 लोगों ने रेफर दिया है, तो इसको तो हमें नंबर वन पे रैंक कराना पड़ेगा। पूरे ऑफ पेज के अंदर हमें यही करना होता है, हमें अपने लिए लिंक ही क्रिएट करना। तो अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझो तो प्रैक्टिकली हम ऑफलाइन में क्या बोलते हैं कि यार एक तारीफ कर रहा है बंदा, ठीक है ये तेरे लिए तारीफ हो गई, एंड यू नो क्या करना है, यहाँ से अपने उस आर्टिकल का, किसका, अपने इस आर्टिकल का जो ये मेन आर्टिकल आपकी साइट पर लाइव है, इसका लिंक यहाँ पे देंगे और अप्लाई कर देंगे। हेलो डियर विवेक ठाकुर दिस साइड, वेलकम टू द कंप्लीट ऑफ पेज एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी। अच्छा कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ, वो ये कि इस वीडियो के एंड तक अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, राइट, देन आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, राइट। सो इस वीडियो को आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चीजों को नोट डाउन करनी है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना है अपने ब्लॉग पे, अपने बिजनेस साइट पे, या फिर अपने आर्टिकल पे, जहां पे भी आप उसको अप्लाई करना चाहते हो, जिसको भी आप रैंक कराना चाहते हो। नाउ ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले दो चीज और हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये आपके लिए है, क्या ये आपको देखनी चाहिए, राइट। तो अगर आप एक बिगनर हैं, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, आप एक बिगनर हैं, आपको एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट ऑफ पिच एसईओ के बारे में आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, राइट। नाउ सेकंड थिंग ये कि हम क्या 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 सीखने वाले हैं, राइट। सी, जैसा कि ये कंप्लीट ऑफ पिच एसईओ ट्यूटोरियल है, तो इसके अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जो हमें ऑफ पिच एसईओ के अंदर करनी होती है, जो ऑफ पिच एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसको आपको क्लियर रखना है, बस आप इतना करो एंड बाकी ड्यूटी मेरी, राइट। एंड एक ड्यूटी और है आपकी, वो ये, इस वीडियो के एंड होते तक जब आपको लगे कि हाँ यार मैंने जो सीखा है वैल्यूएबल कंटेंट है, सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखी है, देन इस वीडियो को आपको लाइक एंड शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। नाउ सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल, आई होप यू आर एक्साइटेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऑन पेज एसईओ नहीं आता है, आप जस्ट एसईओ के बारे में पढ़ रहे हो और आपको मालूम चला कि ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, और आप जस्ट ऑफ पेज एसईओ रैंडमली सर्च कर रहे हो, राइट, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कंप्लीट ट्यूटोरियल का। जैसे ये ऑफ पेज एसईओ का कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वैसे ही ऑन पेज एसईओ का कंप्लीट ट्यूटोरियल है स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले तो आप उस ट्यूटोरियल को देखो, कंप्लीट सीखो ऑन पेज क्या होता है, देन ऑन पेज के बाद आपको ऑफ पेज पे आना है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर क्या मैं ऑफ पेज एसईओ पहले नहीं सीख सकता, ऐसा कोई रूल है क्या? देखो ऑफ पेज एसईओ आप सीख सकते हो, जरूर सीख सकते हो, बट ऑन पेज एसईओ हम पहले करते हैं। देखो ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ये कुछ अलग अलग प्रोसेसेस है, लेकिन करना हमें क्या है, एसईओ, राइट, करना हमें एसईओ है, एसईओ हमारा मेन टॉपिक है, एसईओ के अंडर ये सारी चीजें अलग अलग आती है। तो इनमें सबसे पहले हमारा ऑन पेज आता है, सबसे पहले हम अपने आर्टिकल के ऊपर काम करते हैं, आर्टिकल के ऊपर काम करने के बाद, उसको पब्लिश करने के बाद, देन ही हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, राइट। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखो, उसके बाद आप ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे, राइट। अच्छा ऑफ पेज एसईओ को सीखने से पहले एक एग्जांपल से हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा खेल है क्या, ये ऑफ पेज का पूरा खेल है क्या, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं। लेट सपोज कि एक राहुल है, उसकी शादी होने वाली है, राइट, राहुल है, उसकी शादी होने वाली है, और राहुल को बोला गया कि भाई आप एक अपनी फोटो, एक अपनी पिक भेजो, जो कि हम लड़की वालों को शेयर करेंगे, जो कि हम लड़की वालों को दिखाएंगे। अब फोटो भेजना है तो वो ऐसे तो भेजेगा नहीं, राइट। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया, बाल बाल सेट कराया, राइट, कोट पैंट पहना, और उसके बाद उसने फोटो खिंचाई। तो फोटो भेजने के बाद हुआ क्या कि लड़की वालों के पास ऐसे राहुल जैसे और भी लड़कों के फोटो आए थे, राइट, और उनमें से क्या हुआ, उनमें से सिर्फ 10 लड़के ऐसे थे जिनको वो उनकी फोटोज पसंद आए, जिनको उनके चेहरे पसंद आए, राइट। उसके बाद क्या करेंगे वो लड़की वाले, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम चलते हैं एंड सोसाइटी में देखते हैं और इसके लड़के का बैकग्राउंड निकालने की कोशिश करते हैं कि लड़का करता क्या है, लड़के का नेचर कैसा है, इस टाइप का, मतलब सोसाइटी में किस तरीके से रहता है, राइट, कैसी कैसी आदतें हैं। तो ऐसे में एक दिन लड़की वालों की तरफ से राहुल के लिए, राहुल की सोसाइटी में जहाँ पे वो रहता था, वहां पे वो लड़की वालों की तरफ से बंदे आते हैं और सोसाइटी में और आस पड़ोस में पूछना स्टार्ट करते हैं, पूछना स्टार्ट करते हैं राहुल कैसा है, क्या करता है, कितना कमाता है, राइट, कोई बुरी आदतें तो नहीं है, ये सारी चीजें आप मान के चलो, राइट, आप मान के चलो,
ठीक है, कोई ऑफेंड मत हो ना, मान के चलो। तो ऐसा करने के बाद उनको मालूम चला, सोसाइटी में सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं ना, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल के पास कोई बुरी आदतें नहीं है, अच्छा लड़का है, नेचर अच्छा है, दिल का साफ है, राइट, ठीक है, सोसाइटी के अंदर इज्जत है, राइट, सब उसकी सुनते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद उनको सबसे बढ़िया राहुल का ही लगा, ठीक है। तो अब राहुल के लिए उनके माइंड में एक बहुत अच्छी इमेज बन के आई, राइट, और एक जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ गई, राइट, बाकी लड़कों से। अब बाकी लड़कों का भी तो चेहरा अच्छा था, बाकी लड़कों को भी तो उन्होंने सेलेक्ट किया था फोटो के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उसके बैकग्राउंड को चेक किया, राइट। तो वो जब चेक करने के बाद, जब सारे लोग सोसाइटी के अंदर, राइट, राहुल को कह रहे थे, राहुल को सपोर्ट दे रहे थे, राहुल को रेफर कर रहे थे कि नहीं यार राहुल तो बहुत अच्छा लड़का है, ये क्या हुआ, सभी लोग उसको रेफर कर रहे हैं, सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मान के चलो वापस। तो जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो लेट सपोज राहुल को 100 लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी जो 9 बचे हुए थे उसमें किसी को 20 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को 10 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, बाकी बाकी लोग कह रहे हैं नहीं यार बेकार है, ठीक नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार, बाकी में जो कुछ लड़के थे उनके लिए 50 लोग कह रहे हैं कि ठीक है, 50 लोग कह रहे हैं कि भाई देख लो आप अपने रिस्क पे हो, आप अपने रिस्क पे कराओ, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यार एक राहुल ही ऐसा बंदा है जिसको सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि नहीं राहुल बहुत अच्छा लड़का है, सबसे ज्यादा क्या सोसाइटी में लगभग हर कोई बोल रहा है। तो ऐसे में आप खुद बताओ, क्या उस लड़की वालों की तरफ से जो भी गए थे उनके माइंड में अच्छी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, और क्या एक क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्या एक चांसेस नहीं बढ़ेगा कि लड़की वाले बात पक्की करने के लिए इस लड़की के पास है, राइट। अब आप बोलेंगे कि विवेक सर हम तो ऑफिस जैसे सीखने आए थे, हम तो ऑफिस जैसे सीखने वाले थे, हम कहीं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं चले गए, नहीं गलत डायरेक्शन पे नहीं गए, राइट। अब इसको हम ऑन पेज एसईओ से, ऑफ पेज एसईओ से, ओवरऑल एसईओ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एसईओ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने आर्टिकल को सजाते हैं, हम अपने आर्टिकल के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि शादी वाले केस में लड़के ने अपने ऊपर काम किया, राइट, तो लड़के को आप आर्टिकल समझ सकते हो, ठीक है, जिसको रैंक करना है नंबर 1 पे, लड़के को शादी करनी है उस लड़की से, बाकी जितने लड़के हैं उनमें से सिलेक्ट होना है, इधर हमारे आर्टिकल को जितने बाकी दूसरे आर्टिकल है उससे हमें नंबर 1 पे आना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने आर्टिकल को सजाया कि भाई दिखने आए तो दिखने में सुंदर लगे, ठीक है। हम क्या करते हैं उनपे एसईओ के अंदर, आपको मालूम है हम कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने ऑन पेज में आर्टिकल के ऊपर काम करते हैं, हम अपने आर्टिकल को सुधारने के ऊपर काम करते हैं, राइट, इतना आपको मालूम है। अब ऑन पेज हमने कर लिया, कॉलर आया, उसने इंडेक्स किया, ठीक है, इंडेक्स करने के बाद उसने रैंकिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको रैंक दे दी। अब इसके बाद गूगल या फिर कोई दूसरा सर्च इंजन ऐसे डिसाइड करेगा कि यार आपके आर्टिकल को नंबर 1 पे रैंक देना है, क्यों, क्योंकि आपके कीवर्ड पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिन्होंने अपने आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने ऑन पेज एसईओ किया है, जिन्होंने फोटो खिंचा रखी है अच्छी अच्छी राइट, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। और क्रॉलर को लग रहा है कि नहीं यार ये सभी के सभी आर्टिकल ने तो ऑन पेज एसईओ किया, इन सभी के सभी आर्टिकल ने तो अपने आप को ऑन पेज एसईओ के जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग सबने ऑप्टिमाइज किया है। उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे मैं इस लड़के के आपके आर्टिकल को नंबर 1 रैंक दूं बाकी को ना दूं, आपका तो कोई रिलेटिव है नहीं, राइट। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जैसे कि लड़की वालों की तरफ से गए थे बैकग्राउंड चेक करने, राइट, सोसाइटी के अंदर इज्जत देखने, उसी तरीके से क्रॉलर आता है, क्रॉलर चेक करता है कि यार इस पर्टिकुलर आर्टिकल की अथॉरिटी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर कितनी है, वो चेक करता है, और उसी को हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज क्यों, पब्लिश होने के बाद, पब्लिश आर्टिकल होने के बाद, आर्टिकल अब लाइव है, उसके बाद बैकएंड में जो हम काम करते हैं उसको हमने नाम दे दिया ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि हम अपने आर्टिकल की इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर, हम बताने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे लोगों इन द सेंस जो भी मार्केट के अंदर, जो भी हमारे नीच में या फिर जो भी दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे आर्टिकल को रेफर करो, आप हमारे आर्टिकल को रेफर करो, और रेफर करेंगे तो क्या हुआ, क्रॉलर को समझ में आ जाएगा, अच्छा इस आर्टिकल को तो यार 100 लोगों ने रेफर किया हुआ है, इसको 10 लोगों ने रेफर किया है, तो भाई इसको नंबर 1 पे रैंक दो, मतलब क्या कि इस कीवर्ड के लिए जरूर ये आर्टिकल बेस्ट है, तभी 100 लोगों ने रेफर दिया है, तो इसको तो हमें नंबर 1 पे रैंक कराना पड़ेगा इस कीवर्ड के ऊपर। तो आई होप आपको ओवरऑल क्लियरिटी हो गई कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम करते क्या है, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये रेफर कैसे करेगी दूसरी वेबसाइट, क्या दोनों बात करेंगे सर्च इंजन और दूसरी वेबसाइट की, या फिर सर्च इंजन के जो क्रॉलर है वो कॉल करेगा और बोलेगा कि हाँ इस वेबसाइट को रैंक दो या नहीं दो,
ऐसा नहीं होने वाला। ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड में हम रेफर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो वहां पे लिंक ही हम दे पाएंगे। ऐसे देते हैं, क्या करते हैं, तो उसको अभी हम आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे, राइट। तो अभी के आपको आइडिया लग गया है क्या है, एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया कि क्या करते हैं, ऑन पेज में क्या करते हैं, ऑफ पेज में क्या करते हैं, क्यों ऑन पेज पहले आता है, ऑफ पेज क्यों बाद में आता है। अब बाय डेफिनेशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? सो ऑफ पेज एसईओ इज डिफाइंड एज अ टेक्निक इट हेल्प्स द वेबसाइट टू इंप्रूव आवर रैंकिंग ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट। दीज फैक्टर्स फंक्शन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द वेब पेज, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द वेब पेज। मतलब क्या, लाइव हो चुका है, हमने ऑन पेज कर दिया, अब इसके बाद सोसाइटी के अंदर कितनी इज्जत है वो चेक करेंगे, मार्केट के अंदर इस कीवर्ड पे कितनी वेबसाइट इसको रेफर कर रही है, राइट, कितनी क्रेडिबिलिटी है वो चेक करेंगे। तो मैं बार 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 क्यों रेफर करते हैं, लिंक देते हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे ऑफ पेज के अंदर हमें यही करना होता है, हमें अपने लिए लिंक ही क्रिएट करने होते हैं, हमें अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस लाना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस लाने का मतलब क्या, और ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस क्यों लेकर आए, क्यों, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया है कि यार ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई लोग आके कॉल करके नहीं बोलने वाला है, कॉलर जाएगा, चेक करेगा, एंड जितनी ज्यादा लिंक होंगी उतनी ज्यादा रेफरेंस मानी जाएगी। अब मान के चलो कि आप कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, वो कीवर्ड है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, ठीक है, इस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है, ठीक है, आपने ऑन पेज कर लिया है, आपका आर्टिकल लाइव है। अब क्या हुआ, मान के चलो कि ना एक दूसरी वेबसाइट है, उसने अपनी वेबसाइट पे कोई स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख रहा था, ठीक है, और वहां पे एक सेक्शन में आपके इस आर्टिकल का लिंक दे दिया। किसने दिया? इस वाली वेबसाइट ने। मतलब क्या कि इस वेबसाइट ने अपने वेबसाइट पे, अपने साइट पे, ठीक है, एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में वो स्मार्टफोन से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा था, उसने देखा कि यार ये आर्टिकल बढ़िया है, ये आर्टिकल, ये जो आपने आर्टिकल लिखा है, ये मेरे यूजर को, जो यहाँ पे यूजर पढ़ने वाला है, जो इसका यूजर है, इसको यूजफुल होगा, इसको यूजफुल होगा, तो उसने क्या किया कि आपके इस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये एक आपके लिए बैकलिंक बन गया, और ये क्रॉलर समझेगा कि ये जो वेबसाइट है इस कीवर्ड पे, स्मार्टफोन वाले रिलेटेड कीवर्ड पे आपको एक रेफरेंस दे रहा है कि भाई इसने स्मार्टफोन से रिलेटेड बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, मैं तो अपनी साइट पे इसको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉलर समझ में आ गया, क्रॉलर क्या समझेगा इस चीज को, और ये चीज आपके लिए क्या हो गई, एक बैकलिंक हो गई। तो अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझो, तो प्रैक्टिकली हम ऑफलाइन में क्या बोलते हैं कि यार एक तारीफ कर रहा है बंदा, ठीक है, ये तेरे लिए एक तारीफ हो गई, ये तेरे लिए एक रिकमेंडेशन हो गई। तो ऑनलाइन में एक रिकमेंडेशन क्या होगी, एक बैकलिंक, एक बैकलिंक कौन समझेगा कि हमारे लिए एक रिकमेंडेशन आया है, राइट, दूसरी वेबसाइट ने हमें रिकमेंड किया है। कैसे किया है, बाय बाय पुटिंग आवर वेबसाइट्स लिंक, और बाय पुटिंग आवर ब्लॉग पोस्ट्स लिंक ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, किस तरीके से हमारा डीएपीए बढ़ता है, किस तरीके से अथॉरिटी बढ़ती है, डीएपीए का मतलब अथॉरिटी, ठीक है, कि ऑनलाइन वर्ल्ड में इस कीवर्ड के अराउंड कितनी अथॉरिटी है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया आई नो कि यार ये जितनी ज्यादा वेबसाइट्स होंगी, ऐसी वेबसाइट जितनी ज्यादा होगी, राइट, जितने ज्यादा लोग, जितने दूसरी वेबसाइट हमारे इस आर्टिकल को लिंक दे रही होगी अपने साइट्स पे, क्रॉलर उसको समझेगा बैकलिंक, हमारे लिए वो बैकलिंक मिल गया, क्रॉलर समझेगा कि हाँ यार इसकी अथॉरिटी तो बढ़िया है, मार्केट के अंदर तो सब इसको यार लिंक दे रहे हैं, सब इसको बैकलिंक दे रहे हैं, मतलब क्या कि इस आर्टिकल में दम है, तो वो आपकी रैंकिंग बढ़ा देगा, राइट। तो जैसे 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 आपकी बैकलिंक बढ़ेगी, उसी तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, और जैसे ही अथॉरिटी बढ़ गई बाकी कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर से, आपकी रैंकिंग नंबर वन पे, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। तो इस तरीके से ऑफ पेज एसईओ के अंदर काम होता है, और इस तरीके से ऑफ पेज एसईओ परफॉर्म करता है, राइट। तो अब आपको क्लियर है कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमें क्या करना है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमें बेसिकली अपने लिए बैकलिंक लेके आना है। तो ऑफ पेज का फाउंडेशन आपका अब यहाँ तक बिल्ड हो चुका है। अब बात करते हैं, सर बैकलिंक कैसे क्रिएट करें, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आप बताओ बैकलिंक कैसे क्रिएट करें, क्या हम वेट करें इन दूसरी वेबसाइट्स के लिए कि यार ये वेबसाइट्स हमें लिंक देंगी, ठीक है, जब लिंक देगी तब धीरे धीरे बैकलिंक बढ़ेगा और मैं रैंक करूंगा, क्या मुझे इंतजार करना है हाथ ऐसे हाथ रख के, नहीं, क्या करना है, हमें बैकलिंक क्रिएट करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर पाते हैं। और जब हम खुद के लिए ही बैकलिंक क्रिएट करते हैं, इसका मतलब क्या कि ये जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, जो हमें लिंक देती हैं, वो दूसरी वेबसाइट्स का रोल भी कौन प्ले करता है, कौन प्ले करता है, आप प्ले करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको बैकलिंक क्रिएट करना है, आपको इनके लिए वेट नहीं करना है, राइट। आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं बैकलिंक, उससे पहले इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया है, इसको आप रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं कैसे हम बैकलिंक
क्रिएट करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हो, इनकी हेल्प से हम अपने लिए बैकलिंक क्रिएट करते हैं। अब आपको घबराना नहीं है कि इतना सारा कैसे होगा, राइट? आपको घबराना नहीं है, आपके लिए मैंने काफी सॉर्टेड कर दिया है चीजों को। इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं तीन तीन स्ट्रेटेजी। सबसे पहला रेडिट, दूसरा मीडियम, तीसरा वेब 2.0 समिशन। ये तीन स्ट्रेटेजीज हैं, ये तीन स्टेप्स हैं जो हम करते हैं इसलिए बैकलिंक को क्रिएट करने के लिए। मतलब ये कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये मार्केट के अंदर इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, अगर इनके हेल्प से अगर आप लिंक लाते हैं तो मार्केट के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी जल्दी बढ़ती है। मतलब क्या? मतलब ये कि जो बैकलिंक मिला, जो लिंक मिला, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्वालिटी बैकलिंक और एक होता है कि यार ये तो कहीं से भी आ गया। ये जो क्वालिटी बैकलिंक मैंने आपको बोला, एक चाहिए इसको आप एग्जांपल समझो। लेट सपोज किसी फील्ड में एक 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 पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो इतना अच्छा नहीं है, राइट? बिलो एवरेज है, राइट? और वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यार ये जो एक्स वाई जी पर्सन है ये अच्छा है, या फिर किसी एक को रिकमेंड कर रहा है कि यार ये सही लड़का है, तो क्या उसकी बातों को सुना जाएगा? क्या उसकी बातों को क्या उसकी बातों के ऊपर काम किया जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं, इतनी इतनी सोसाइटी के अंदर आप कह लो कि किसी फील्ड में इतना वो इतना सक्षम नहीं है कि यार उसकी बातों को सुने। उसी तरीके से बैकलिंक भी दो टाइप के होते हैं, क्वालिटी बैकलिंक और बेकार बैकलिंक। यार वो बैकलिंक ऐसी जो बेकार वेबसाइट से आती है, वो वेबसाइट जो होती है जिनके डीएपीए, जिनकी खुद की अथॉरिटी मार्केट के अंदर कम होती है और वो लिंक दे रही होती है, तो क्रॉलर उसको अलेक्सा पर इग्नोर ही कर देता है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ, ठीक है। और वहीं पर कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको क्रॉलर दिखती है, इसके इसकी तो मार्केट में खुद इतनी बड़ी इज्जत है, राइट? अगर आपको अगर आपकी तारीफ अमिताभ बच्चन करे तो क्या सोसाइटी के अंदर आपका नाम नहीं होगा? क्या आपको हर जगह रेफरेंस नहीं मिलेगा? क्या आपको प्रेफरेंस, आई मीन प्रेफरेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसी तरीके से ये जो रेडिट है, मीडियम है, ये वेब 2.0, ये अमिताभ बच्चन है भाई, ठीक है। मतलब क्या कि इनकी जो डीपी है ना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बैकलिंक क्रिएट कर पाते हैं, देन क्रॉलर उसको कंसीडर करता है, राइट? और जितने ज्यादा यहाँ से आप बैकलिंक निकालेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी कीवर्ड पे रैंक करेंगे, ठीक है। तो मैंने इन सभी स्टेप को कवर नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, क्योंकि फंडा सब में सेम है यार, फंडा सब में सेम है कि मुझे बैकलिंक लेना है, ठीक है। तो कैसे लेना है? जब आप ये तीनों स्टेप्स में सीख जाओगे ना, तो आप इनमें से किसी भी स्टेप के अंदर आप बैकलिंक ले लोगे, ठीक है। क्योंकि काम सब में सेम करना है, हमें बैकलिंक लेना है, ठीक है। बैकलिंक कैसे लेते हैं कि ये जो दूसरी वेबसाइट्स होती है, वो दूसरी वेबसाइट हम खुद ही बन जाते हैं, उसका रोल भी हम खुद ही प्ले करते हैं, और फिर हम अपने आपको खुद ही एक लिंक दे देते हैं जानबूझ के। तो क्रॉलर उसको समझेगा नहीं, क्रॉलर को क्या मालूम कि यार वो जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरी वेबसाइट है, वो आप, ठीक है। तो ये हम करते हैं। तो इन तीनों को आप अभी समझो, उसके बाद आप यहाँ पे ये जो लिस्ट है, गूगल पे जाना, आप लिख देना कि यार सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स, ठीक है, वहां पे आपके पास साइट्स के नेम आ जाएंगे, वहां पे जाना, जैसा हमने यहाँ पे किया है वैसा आप उन पे परफॉर्म करना, लिंक लाना, सिंपल सिंपल, ठीक है। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी अथॉरिटी मार्केट के अंदर है ज्यादा, और वीडियो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा हो, बट आपको सारी चीज समझ में आ जाए। यहाँ से हमारे ट्यूटोरियल का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पे हम सीखेंगे कि ये जो बैकलिंक है हम ये कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए, राइट? सो स्टार्ट करेंगे रेडिट से, मीडियम बिल्कुल सेम होगा, उसी के जैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीजें करनी होगी, और वही चीजें आपको वेब 2.0 में करनी है। और रेडिट पे हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से हम आर्टिकल को लिखेंगे और किस तरीके से हम सबमिट करेंगे, राइट? तो मैं चलता हूँ अपने गूगल पे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च का। हमने कीवर्ड रिसर्च कर रखा है, हमारे पास कीवर्ड है, हमें जिस कीवर्ड पे रैंक करना है, उस कीवर्ड पे अराउंड हमने आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल लिख के ऑन पेज करके हमने उसको अपने साइट पे लाइव कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि उस कीवर्ड पे हमारा वो आर्टिकल रैंक करे, तो उसके लिए हम ऑफ पेज कर रहे हैं। ऑफ पेज के अंदर हमने दो स्टेप्स देखे, ये तीसरा स्टेप है जहां पे हम रेडिट के ऊपर क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, बैकलिंक लेने के लिए रेडिट के ऊपर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स को डालते हैं, बुकमार्क करते हैं और वहां से हम लिंक लेते हैं। तो वो जो हम आर्टिकल डालते हैं उसको हम किस तरीके से डालते हैं, तो वो समझने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए। तो मैंने देख लिया कि यार मुझे किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। लेट सपोज वो कीवर्ड है आपके लिए, लेट सपोज वो कीवर्ड है हाउ टू लर्न एसईओ फॉर बिगिनर। इस कीवर्ड पे आपको नंबर वन पे रैंक करना है, इसके लिए आप बैकलिंक लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाउ टू लर्न एसईओ फॉर बिगिनर के अराउंड आप छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल को प्रिपेयर करेंगे। अब सर आर्टिकल कैसे प्रिपेयर करें, बार बार हम लिखे क्या? नहीं, इसको लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली बस कीवर्ड प्लेसमेंट करना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप जो भी लिखेंगे इसके अंदर आपके पास कीवर्ड प्लेसमेंट करना है, कीवर्ड की अच्छी खासी डेंसिटी होनी चाहिए इस छोटे से आर्टिकल में। तो अगर मुझे सिर्फ कीवर्ड ही प्लेसमेंट करना है और ये कोई आके पढ़ने वाला तो है नहीं, राइट? कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों इसमें मेहनत करूं, क्यों इसको मैं यूजर फ्रेंडली आर्टिकल बनाऊं?
तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अपने मन मन से, यस आप कुछ भी लिख सकते हैं इस कीवर्ड के अराउंड आपको जो भी मन में आ रहा है कि हाउ टू लर्न एसईओ फॉर बिगनर, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज है तो आपके पास कंटेंट की तो कमी है नहीं, आप तो जो सोचेंगे आप वो आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मेरे पास कीवर्ड है, मैं गूगल ट्रांसलेटर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं माइक को ऑन करता हूँ और मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ मन से। और क्योंकि मुझे मालूम है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ उसके अंदर मेरा मेन कीवर्ड आना चाहिए 3 से 4 बार, तो मैं बोलते बोलते इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि इसमें मेरा मेन कीवर्ड भी आ जाता है और एक अच्छा खासा एक आर्टिकल रेडी हो जाता है। अब इस आर्टिकल में ना ही कोई रिसर्च वर्क किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, जो मुझे उस टॉपिक के अराउंड समझ में आ रहा था मैंने वो बोल दिया, राइट। आपको इसी तरीके से जो भी टॉपिक के अराउंड आपको समझ में आ रहा है वो आपको बोलना है, आपका आर्टिकल प्रिपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना है और ले जाके आपको वहां पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू लर्न एसईओ, ये मेन कीवर्ड आपका 3 से 4 बार होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो भी आपका कीवर्ड होगा वो आपके उस आर्टिकल में होना चाहिए, बाकी आपका आर्टिकल एज इट इज जो आपको मन में आ रहा है वो आपको बोलना है, क्योंकि आपके पास यार एक्सपर्टीज है तो कंटेंट की कमी होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने पे सर वहां पे मुझे कीवर्ड मिल रहे हैं, कंपनी ने कीवर्ड दे दिया, तो उसमें क्या करूंगा सर मैं कैसे, क्योंकि हो सकता है मेरे पास उस फील्ड में या फिर उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कोई एक्सपर्टीज ना हो, तो मैं कैसे करूंगा सर ये प्रिपेयर। देखो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है, सबसे पहले तो आपको कीवर्ड मिलता है कि आपको इन कीवर्ड के ऊपर काम करना है, ठीक है। उन कीवर्ड के ऊपर जब आपको वो जब कीवर्ड देते हैं तो कंपनी के जो सीनियर होते हैं, आपके जो सीनियर होते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कि आपको इस कीवर्ड पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, उसके आसपास आप उसके अराउंड आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्किल क्या काम आती है, आपके लिए काम आती है कि अगर आप सोचते अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आपको मालूम है ये कीवर्ड है, आपको मालूम है ये इन्फॉर्मेशन मुझे डालना है, इसके अलावा मैं कुछ भी घुमा फिरा के लिख सकता हूँ, कुछ भी घुमा फिरा के बोल सकता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर पे आएंगे आप बोलेंगे, ठीक है, बोलने के बाद वो डेफिनेशन वो इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे और पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ऑफ पेज में कंपनी आपकी इस राइटिंग स्किल्स को नहीं देखती है, वो ऑन पेज में कंटेंट राइटर को देखती है। यहाँ पे आप उनको भी मालूम है यार बैकलिंक लेना है, ये कोई पढ़ने वाला तो है नहीं आर्टिकल, राइट, नहीं मुझे अपने यूजर को ये पढ़ाना है, मुझे तो बस बैकलिंक चाहिए ताकि मेरा उस आर्टिकल मेरे उस कीवर्ड पे मेरा मेन आर्टिकल रैंक करे, ठीक है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है, तो आपने ये एक प्रिपेयर किया, फिर आप दूसरे के लिए क्या करेंगे, फिर आपने सोचा कि यार इस टाइप का तो मैंने लिख लिया, इसके अराउंड और मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर आपने घुमा फिरा के बोलना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली लिखेगा, प्रिपेयर हो गया, फिर आपने घुमा फिरा के, तो इस तरीके से आप कहानी बना बना के बना बना के बना बना के कीवर्ड डेंसिटी को आप मेंटेन करेंगे, अपने प्राइमरी कीवर्ड को 4 से 5 बार रखेंगे और आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है, और उसी को ले जाके पेस्ट करना। तो मैंने उसी तरीके से, मुझे मेरा प्राइमरी कीवर्ड मालूम है, मेरा बस कीवर्ड जो डेंसिटी है वो इसके अंदर मेंटेन है, मैंने 4-5 बार इसके अंदर 2-3 बार 4-5 बार जो भी है मैंने अपने कीवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, प्राइमरी कीवर्ड को, जिसपे भी मुझे रैंक करना है, जिसपे भी मुझे बैकलिंक देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस ए करके कॉपी करूंगा, कॉपी करके सबसे पहले तो हम जाएंगे रेडिट पे, रेडिट पे जाने के बाद मेरा यहाँ पे पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपको फ्रेश दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, आपको फ्रेश अच्छे से दिखाने के लिए, तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम बार बार हमारे पास जीमेल कहाँ से आएगा, बार बार ईमेल कहाँ से आएंगे, बार बार क्या हम ईमेल और जीमेल ही क्रिएट करेंगे, नहीं, ठीक है, फ्रेश एकदम डैशबोर्ड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम साइन अप करेंगे, साइन अप करने के लिए आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे और ईमेल डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ईमेल सर कहाँ से लाए, आपके पास जनरेटेड डॉट ईमेल का भी ऑप्शन है और यहाँ पर टेम्प मेल का भी ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं दोनों यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं जनरेटेड वाले को ओपन कर लेता हूँ, जनरेटर ईमेल वाले को मतलब, ठीक है। और यहां से आने के बाद मैं यहाँ पे जो लिंक जो हमें ईमेल मिलेगा बेसिकली उसको मैं कॉपी कर लूंगा, तो ये हमारे पास फेक ईमेल मिल गया, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी हो जा, कॉपी हो जाए यार, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, राइट। कॉपी होने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट होने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा, देखो यहाँ पे टिक आ गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है चूज यूजर नेम, हमें कुछ इससे लेना देना है नहीं, मैं यहाँ पे जो भी सजेशन है मैं यहाँ से ले लेता हूँ और पासवर्ड में अपना जीमेल ही, आई मीन जो ये मेरा जीमेल था इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आके मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू करने के बाद ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली कुछ भी नहीं है, जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, राइट। मैं यहाँ पे नॉन बाइनरी कर देता हूँ, कुछ भी कर दीजिए, डजंट मैटर, राइट, ठीक है। यहाँ से आपको 3 टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने हैं, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फील्ड से रिलेटेड भी आप सिलेक्ट, आप अपने फील्ड से रिलेटेड सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा कि हाँ इस फील्ड से रिलेटेड अकाउंट है और इसी फील्ड से रिलेटेड इन्होंने बैकलिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह रहा रिकमेंडेड फॉर यू, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये ग्रुप है बेसिकली, ठीक है, यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक दो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, राइट, जैसे हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है, जीमेल आ गया, यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे,
सो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ठीक है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही वेरीफाई हो गया, अब आपका अकाउंट जो फुल्ली एक्टिवेट हो गया, अब इसके ऊपर आप आराम से पोस्ट डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को हटा देंगे। देखो तो अभी के लिए तो हमारा कोई काम नहीं है इसका, ठीक है, हम इस अकाउंट पर 4-5 हम आर्टिकल को डाल सकते हैं, वो हम डालेंगे, उसके बाद हम लॉग आउट करके दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नया हमें पोस्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस पे आपको क्लिक करना है, नया पोस्ट आप क्रिएट कर पाएंगे। पोस्ट क्रिएट करने के बाद जो आपने यहाँ पे ये प्रिपेयर किया था, इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, तो क्या करना है, अब यहाँ पे हम अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं वही हमें करना है। तो क्या करना है, टाइटल आप क्या डालेंगे यहाँ पे, टाइटल में आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, राइट। तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड को अपने डालते हैं, ठीक है। देखो मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैंने टाइटल प्रिपेयर कर लिया है और मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन है, आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप इसको आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, थोड़े से 2-3 पैराग्राफ के अंदर इसको आप ब्रेक करेंगे, तो वो मैं कर लेता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है, आपको भी इसी तरीके से फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड मैंने 2 से 3 बार मैंने डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो एक इमेज आप ऐड कर सकते हो, आपको एंटर प्रेस करना है, यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हो, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिख लिया, अब मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक लिंक डालूंगा, ठीक है। रेडिट को क्या लग रहा है, क्रॉलर को क्या लग रहा है, सर्च इंजन या फिर जितने भी क्रॉलर है उनको क्या लग रहा है कि यार एक कोई यूजर है वो कोई लिंक दे रहा है, वो कोई आर्टिकल उसने लिखा इस कीवर्ड के अराउंड और उसने इस वाली वेबसाइट को लिंक दिया, और ये वेबसाइट इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि इस वेबसाइट पे जो आर्टिकल है वर्थ है, जो क्योंकि इनकी डीएपी काफी अच्छी है। तो ये पूरा खेल चल रहा है बैकएंड में, जो ये नया यूजर है जो ये दे रहा है वो भी मैं हूँ, और जो इसको मिल रहा है वो भी मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम खुद से ही बैकलिंक को लेते हैं। तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, इसको मैं एंकर टेक्स्ट बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट डू फॉलो ही रहता है। यहाँ पे मैं लिंक पे क्रिएट करूंगा और यहाँ से मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैं अपने लिंक को पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लिंक को डाल लेता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपने लिंक को डाल दिया, मैं एंकर टेस्ट करूंगा, यहाँ पे देखो ये एक लिंक यहाँ पे डल गया, तो ये एक बैकलिंक हो जाएगा किसके लिए, marketpia.com के लिए। अब इस कीवर्ड पे क्योंकि marketpia.com को लिंक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब marketpia.com इज वर्थ रैंकिंग फॉर दिस कीवर्ड, मतलब इसको रैंक कराना वर्थ रहेगा सर्च इंजन के क्रॉलर के हिसाब से, तो वो रैंक करेगा, राइट। ये पूरा एक माइंडसेट है। आई होप आपको, जब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो मैं बार बार क्यों एक ही चीज को बोल रहा हूँ, ताकि आपको रटना ना पड़े, ताकि आपको याद ना करना पड़े। बच्चे इसको याद करते हैं, राइट, इंटरव्यू में याद करके सोचते हैं कि सर हमने ऐसे करते हैं, हम ये करते हैं। नहीं यार, ये प्रैक्टिकल चीज है, इसमें याद क्या करना है, आप करो, प्रैक्टिस करो, और वहां पे जाकर आप कॉन्फिडेंटली बोलो। कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, राइट। तो अब हमने लिंक क्रिएट कर लिया, लिंक क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज अ कम्युनिटी, यहाँ पे हम अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट का जो ये ऑप्शन अभी आ रहा है बटन, ये अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से आप पोस्ट कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट वाला बटन है वो अवेलेबल हो गया, तो यहाँ पे हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे ये पोस्ट हो जाएगा, राइट। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो है कीवर्ड पे, इस कीवर्ड पे हमें एक बैकलिंक हमने ले लिया है, हमने एक बैकलिंक बना लिया है रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे, और ये बहुत वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है, बहुत इसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये 60 है, इस पेज का पर्टिकुलर पेज का 60 है, लेकिन डीए देखो 91, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सिर्फ रेडिट और मीडियम की हेल्प से मैंने बहुत सारे आर्टिकल को रैंक कराया, क्योंकि इनका डीए पीए ही इतना बड़ा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कैसे हम रेडिट पे बैकलिंक को लेते हैं। देखो उसके बाद क्या करना है, जैसे ही पब्लिश हो गया, अब आपका काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक लास्ट स्टेप ये है कि आपका इसको डेटा बनाना है, और यही आपको रिपोर्टिंग देनी होती है। जॉब जब आप करेंगे तो वहां पे आपको ये इसका जो डेटा है ये आपको बनाना होता है, तो कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। सो यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक शीट बनाएंगे, शीट बनाने के बाद आपके पास ऐसा 3 कॉलम होना चाहिए जहाँ पे टारगेटेड पेज, बैकलिंक और साइट नेम, राइट। तो टारगेटेड पेज में क्या होगा, टारगेटेड पेज में वो होगा जिसको आपने लिंक दिया है। तो इस पेज पे मैंने किसको लिंक दिया है, मार्केट पीरा को लिंक दिया, मतलब मेरा मेन टारगेट लिंक कौन सा है जिसके जिसको मैं रैंक कराना चाहता हूँ, marketpia.com। तो यहाँ पे मैं marketpia.com यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, marketpia.com लिख दूंगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा टारगेटेड वाला होगा। यहाँ पे बैकलिंक में क्या करेंगे, इस वाले पेज का लिंक हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि कंपनी के ऑनर को, जो भी आपका सीनियर है, उसको मालूम चले कि ये जो पेज है इसके ऊपर एक बैकलिंक बनना है और टारगेटेड लिंक ये है, मतलब इस पे जो बैकलिंक बना है वो कौन सा लिंक है, इसके ऊपर इस वाले लिंक को एक बैकलिंक मिला हुआ है। साइट नेम यहाँ पे आप डाल देंगे रेडिट। अब कोई कोई कंपनी बोलेगी कि यहाँ पे साइट नेम की जगह आप कीवर्ड डालो, तो आप कीवर्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या है हमारा, कीवर्ड यहाँ पे जैसे मेरा है बेस्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ये कीवर्ड, तो आपका जो भी कीवर्ड है, जो भी आपको कंपनी ने दिया वो आप डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी डेटा को, इस तरीके से आपको जैसे जैसे आप करते जाएंगे कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, और इसको आपको शेयर करना होता है अपने सीनियर को,
इसी को आपको शेयर करना था अपने सीनियर को, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हम कैसे रेडिट के ऊपर करते हैं, हम सीखेंगे मीडियम के ऊपर आगे चल के, ठीक है। नाउ मूव करते हैं वेब 2.0 सबमिशन की तरफ। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो वेब 2.0 ये होता क्या है। देखो वेब 2.0 के अंदर हम क्या करते हैं, वेब 2.0 के अंदर हम उन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी साइट्स को बनाते हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर हम अपने लिए एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं जहां पे वो हमें अलाउ करते हैं कि हम सब डोमेन क्रिएट करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए। नहीं समझ में आया सर? जैसे कि आपने ब्लॉगर देखा होगा, तो जो आप ब्लॉगिंग करते हैं आपको मालूम होगा, या फिर जो नहीं करते तो आप ब्लॉगर पर जाके एक बार देखना, वहां पे क्या होता है कि ना हमें डोमेन लेनी होती है ना हमें होस्टिंग लेनी होती है, फ्री में ही हम अपने लिए एक साइट को क्रिएट कर पाते हैं और वो होता है सब डोमेन में, ठीक है। और मेन डोमेन क्या होता है, मेन डोमेन होता है blogspot.com, ठीक है, आपने देखा होगा, आपको मालूम है। अब आप क्या करोगे, आप इस ब्लॉगर पे जानबूझ के वो आर्टिकल लिखोगे जो आपका मेन आर्टिकल है उस कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो मेन आपका आर्टिकल है उसके रिलेटेड आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे डमी, और जानबूझ के आप इस आर्टिकल के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर दोगे, लिंक दे दोगे इसका, इस अपने मेन वाले आर्टिकल का, ठीक है। इसको ऊपर से देखोगे तो क्या लगा कि यार ये जो एक्स वाई जेड पर्सन है ना जिसने एक नई वेबसाइट बनाई है ब्लॉगर के ऊपर, उसने इस कीवर्ड के ऊपर जिस कीवर्ड पे ये रैंक करना चाहता है इसके ऊपर एक बैकलिंक दिया है, मतलब एक रेफरेंस दी है, आपके लिए आपका तो काम हो गया, राइट। तो इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। आपने ये रेडिट में भी किया, आपने ये सबमिशन उसमें भी किया, आई मीन मीडियम में भी किया, और यही सारी चीजें आपको हर जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे करनी है। वेब 2.0 के अंदर हम क्या करते हैं, वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट दिए हुए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पीडीएफ मिल, आई मीन एक एक्सेल का शीट मिल जाएगा जिसके ऊपर पूरे साइट्स के लिंक डले हुए हैं सेपरेट कैटेगरी वाइज, यार ये सोशल बुक मार्किंग के हैं, ये वेब 2.0 के हैं, राइट। तो वो शीट थोड़ी सी पुरानी है बट हेल्पफुल है, उसके अंदर वो सारे लिंक्स डले हुए हैं, तो आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे तो यार गूगल पे आप जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि बेस्ट वेब 2.0 सबमिशन साइट्स, वहां पे पूरी लिंक आ जाएगी, ठीक है, इतना तो आप स्मार्ट हो, राइट। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करने, ठीक है। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको, मैं इनमें से मैं आपको गूगल साइट पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। गूगल साइट पे भी आप फ्री में वेबसाइट sites.google पे भी आप फ्री में एक साइट बना सकते हो, ठीक है, और वो गूगल के ऊपर होस्ट होगी आपकी, ना आपको डोमेन लेना है ना आपको होस्टिंग लेना है। तो गूगल पे आके आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है गूगल साइट्स, गूगल साइट्स करते ही आपके पास ये लिंक आ गया, इसके ऊपर आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है, ठीक है। और साइन इन करने के बाद आप इसके ऊपर फ्री में वेबसाइट बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट में साइन इन कर रखा है, राइट। आपका जो भी जीमेल होगा उससे ये बाय डिफॉल्ट साइन इन हो जाएगा, सो उसके लिए वरी नहीं करना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है, राइट, ब्लैंक पे। इसको आप देखो आपको क्लियर हो जाएगा, देखो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑन पेज एसईओ आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पे हम कीवर्ड प्लेसमेंट सीखते हैं, वहां पे हम ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं किसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम आर्टिकल डालने वाले हैं। अगर आपको ऑन पेज नहीं आएगा तो आप यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी दिल्ली तो यही एक्टिविटी करना है हमें ऑफ पेज के अंदर, ठीक है। इसलिए ऑन पेज पहले हमें सीखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें पूछ रहा है कि भाई पेज का टाइटल बताओ, ठीक है, ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यार आपको एक कीवर्ड पे बैकलिंक चाहिए, तो ये सारी चीजें उसी कीवर्ड के अराउंड आप करना। सपोज आपको बैकलिंक चाहिए, आपको एक बैकलिंक चाहिए बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, तो आप क्या करेंगे, हर जगह आप यही डालेंगे, लेट सपोज बेस्ट स्मार्टफोन, हर जगह आप यही डालोगे, हर जगह, ठीक है, अंडर 20,000, ठीक है, हर जगह ये डालोगे। आप सेकेंडरी कीवर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड को यूज कर सकते हो और लिंक ले सकते हो आप अपने प्राइमरी कीवर्ड के लिए, ठीक है। मतलब आपको दिखाना यह है कि यार ये जो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ये कोई दूसरा यूजर है जो वेबसाइट बना रहा है और वो आपको लिंक दे रहा है, ठीक है, कर आप ही रहे हो, लेकिन आपको ऐसा एज्यूम कराना है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कई बार क्या कर सकते हो, आप प्रॉक्सी लगा के, ठीक है, ये यहाँ पे वीपीएन ऑन करके आप साइट्स बना सकते हो ताकि आपका आईपी एड्रेस जो है वो हाइड हो जाए। आप जब कंपनी में जाओगे तो वेब 2.0 करोगे, या फिर कोई दूसरा बैकलिंक लेने की जो स्ट्रेटेजी है वो आप फॉलो करोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि यार आप बार बार वीपीएन यूज कर रहे हो, राइट, वीपीएन यूज करके आप लिंक ले रहे हो, ये सारी चीजें आप करोगे जब आप कंपनी में जाओगे, अगर आप एक जॉब से करो, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपको मालूम है किस तरीके से करना है, समझ में आ गया होगा, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर जगह आपको यही डालना है। अब यहाँ पे सर मैं कंटेंट कैसे डालूं, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट प्रिपेयर करा होगा, ठीक है, जो भी आपने कंटेंट प्रिपेयर करा होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या मुझे पूरी लंबी आर्टिकल लिखनी है एकदम, राइट, पूरा यहाँ पे जो हम नॉर्मल लिखते हैं वो उतना लंबा आर्टिकल लिखना, नहीं उतना लंबा आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। आप आइडियल केस लेके चलो 300 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कर रहे हो तो आप 300 से 400 वर्ड के आर्टिकल लिख दोगे, मोर देन सफिशियंट है। और जब आप बुक मार्किंग या फिर आप रेडिट पे या मीडियम पे कोई काम करोगे तो वहां पे आप 150 से 200, 250 परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप 300 से 400 आप एक्सटेंड कर देना, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो आर्टिकल प्रिपेयर किया होगा। सर यहाँ पे क्या मैं आर्टिकल ऐसे कुछ भी लिख दूं, नहीं, आपको इस आर्टिकल को भी ऑप्टिमाइज करना है ना। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको दिखाना है कि यार ये कोई जो वेबसाइट है ना ये कोई दूसरे यूजर ने बनाया है, तो आपको उसके जैसे यहाँ पे आपको ऐसी आर्टिकल नहीं लिख देना है, ठीक है।
और कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, चुपके से आप अपने लिए प्राइमरी कीवर्ड, लेट्स सपोज मेरा यही प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, यही मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, और आप चुपके से या तो नीचे या तो ऊपर कहीं आर्टिकल के बीच में ही, चुपके से या तो नीचे या तो यहाँ पे नीचे, या तो आप आर्टिकल में स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे भी ये आर्टिकल को डाल के जानबूझ के उसके ऊपर यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, एंड यू नो क्या करना है, यहाँ से अपने उस आर्टिकल का, किसका, अपने इस आर्टिकल का जो ये मेन आर्टिकल आपकी साइट पर लाइव है इसका लिंक यहाँ पे देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे पेजेस पे आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये होम पेज है, ठीक है, आपको मालूम है वेबसाइट के अंदर होम पेज, अबाउट पेज, ये सारी चीजें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अबाउट पेज क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, वो करने की आपको नीड होगी तो आप कर लेना, नहीं होगी तो नहीं करना। अगर कोई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड है तो उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, अगर कोई छोटा मोटा कीवर्ड है तो उसके ऊपर आप होम पेज पे भी काम चला सकते हैं, आप कीवर्ड ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप थीम भी सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, ये सारी चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, मेन जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करते ही क्या होगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा, देखो ये क्या पूछ रहा है, वेब एड्रेस पूछ रहा है, वेब एड्रेस में आपने दे दिया अपना कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड दे दिया, अब ये देखो कहाँ पे क्या है, sites.google.view, फिर आपका ये लिंक, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो इस तरीके से बन रहा है ब्लॉगर, या फिर वहां पे किस तरीके से बनता है आपको मालूम है, एबीसी, लेट्स सपोज ये हमारा डोमेन होता तो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 27.blogspot.com, है ना, क्लियर हो गया आपको, राइट। तो इस तरीके से आप इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करते ही ये जो आर्टिकल है ये गूगल पे है, इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स होते ही, ठीक है, ये जो आपने लिंक लिया है वो आपके लिए बैकलिंक बन जाएगा, राइट। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, एंड आई होप एंड आई रियली होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, हमने सारी चीजें प्रैक्टिकली समझी है, सीखी है, और जो मेन फंडा होता है, जो कोर होता है, वो आपको क्लियर है, वो आपको क्लियर है। अब इसके बाद आपको जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, सब में यही काम करना है, सब में यही खेल करना है, राइट। वो इसलिए मैंने कहा कि आपको सिर्फ ये तीन आप समझ जाओगे, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे, तो आप इन तीनों को सबसे पहले बढ़िया से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपके पास पीडीएफ, आपके पास एक्सेल शीट है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आपको मालूम है क्या करना है, सभी लिंक को एक एक खोल के ट्राई करना है, ठीक है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट कीवर्ड डालो कि यार बेस्ट वेब टूटमेंट को साइट्स, वहां पे लिस्ट आ जाएगी, बेस्ट सोशल बुक मार्किंग साइट्स, वहां पे लिंक आ जाएगी, उनके ऊपर आप जा जाके अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करो और अपने कीवर्ड के लिए बैकिंग लो। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप न्यूबी हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको आपको सब ट्राई करना चाहिए, आपको सब ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आपको मालूम है कि यार हाँ ये वेब 2.0 मीडियम और रेडिट सबमिशन अच्छा काम करती है, इनसे रिजल्ट अच्छा आता है, आपको ये मालूम है, बट आपको क्या करना है, आप न्यू भी, आपको एक्सप्लोर करना है चीजों को, आपको तो समझना है, आप सारी चीजें ट्राई करो ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाओ, तो आप इंटरव्यू देने जाओ या फिर आप अपने ब्लॉगिंग के करियर को स्टार्ट करो, या फिर आप ब्लॉगिंग करते भी होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको पता होगा कि यार मेरे लिए कौन से एक्टिविटी काम करते हैं, कौन से एक्टिविटी काम नहीं करते हैं, राइट। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है, और जब आप जॉब पे भी जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, राइट। और एक चीज और, एक वीडियो और है चैनल पे, वो है एसईओ एग्जीक्यूटिव जॉब प्रोफाइल, राइट, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो आपके पास दो अभी आपके पास दो नहीं तीन आपके पास अभी काम है। सबसे पहला काम क्या है कि आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ वाली, एक्सेल वाली शीट, दूसरा आप उस वीडियो को देख सकते हो जहां पे हमने एसईओ एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की है कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसा काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, राइट, क्या सैलरी होती है। एंड थर्ड थिंग ये कि इस वीडियो को माय डियर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, देन राइट। सो टिल देन, सेल्फ एंड बिलीव एंड अचीव, बाय बाय, टेक केयर।